अस्सलाम वालेकुम, मैं सुलेखा अरफा, सुलेखास किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ मालूम है? कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि रान के ऊपर कुछ रेसिपीज बताइए, तो आज मैं बता रही हूँ रान रोस्ट। बहुत ही मजेदार बनेगी। एक दिन पहले ना आपने मसाले सारे लगा के रख देने हैं, नेक्स्ट डे बना लीजिए। बहुत ही ईजी, झटपट है। और हाँ, दूसरी बात ये कि ये तो रान रोस्ट की रेसिपी है, अगर आपको रान मसाला भी चाहिए तो उसकी रेसिपी भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वो भी बहुत ही मजेदार बनती है, मैं तो हर साल वही बना रही थी, इस साल मैं रान रोस्ट बना रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रान है, ये तकरीबन 1.25 किलो तक की रान है जिसे आप देख सकते हैं, पर आप 1.5 से 2 किलो तक की रान ले सकते हैं, यही मेजरमेंट सारा इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से धो लीजिए, चर्बी निकाल लीजिए, पैट ड्राई कर लीजिए रान को, और 4-5 आगे डीप स्लिट्स मार लीजिए और 4-5 पीछे डीप स्लिट्स मार लीजिए। मैं पतीली में पका रही हूँ, आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, बट आप चाहें इतनी बड़ी तो आएगी नहीं आपकी कुकर के अंदर, तो आपके जो भी हैं जिससे कटवा रहे हैं आप रान, उसको बोलना 3 पीसेस 4 पीस कर देंगे, बड़े बड़े पीस हो जाएंगे, तो कुकर में आप बना सकते हो। 1/4 टीस्पून जितना नमक ऑल ओवर फ्रंट में रब कीजिए, डीप स्लिट्स में भी लगाइएगा, और 1/4 टीस्पून जितना बैक में भी, पीछे की ओर भी रब कीजिए, तो टोटल 1/2 टीस्पून जितना लीजिए और आगे पीछे अच्छे से डीप स्लिट्स में रब कीजिए और इसे 10 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। एक फ्राई पैन के अंदर 1.5 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया डालिए और 1 टेबल स्पून जितना जीरा डालिए। चूल्हा स्लो टू मीडियम आंच पर रख कर इसे भून लीजिए। जब अच्छी हल्की खुशबू आने लगे तो इसका चूल्हा बंद कर दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो इसे अच्छा पीस लीजिए बिना पानी डालकर और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए अब दूसरा स्टेप कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर ये जो हमने अभी पीसा है धनिया और जीरा का पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच डाल दीजिए, 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए और 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। मैं 2 डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1.5 भी डाल सकते हैं। आपकी ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद अनुसार कीजिए, मिक्स कर लीजिए। अब इससे भी ये ड्राई वाले मसाले को लीजिए, हमारी रान के ऊपर, मटन की रान के ऊपर बहुत अच्छे से पाउडर को लगाएं और इस तरीके से रब करते रहें, अच्छे से, बहुत अच्छे से रब करें इस तरीके से। स्लिट्स के अंदर डालें, एकदम डीप स्लिट्स जो मारें उसके अंदर डालें, आगे पीछे पूरे चारों ओर लगा दें ये वाले मसाले को, और डीप स्लिट्स के अंदर ज़्यादातर अच्छे से लगाएं सो दैट मसाला ये वाला अंदर तक प्रॉपरली जाए। और अब इसे मैरिनेट करने आप साइड पर 20-25 मिनट के लिए रहने दीजिए। आप चाहें तो बाहर रख सकते हैं, आप चाहें तो ढककर फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब तक 20-25 मिनट हो रहे हैं उसके दरमियान में दूसरी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये कच्चा पपीता है, इसे मैंने छील लिया और बीच में से उसके वो निकाल कर इसे बहुत अच्छे से इस तरीके से पीस लिया। आप देख सकते हैं एकदम पेस्ट टाइप बन गया। इसे पीस कर साइड पर रख दीजिए। ये बिरिस्ता है, इसमें से 4 टेबलस्पून बिरिस्ता मैं निकाल कर इसे भी बिना पानी डालकर अच्छे से बारीक पीस लेती हूँ। वैसे ये घर में बना हुआ है, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसे भी साइड पर रख दीजिए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पहला स्टेप ये था कि हमने नमक लगाया, आगे पीछे लगा के 5-10 मिनट रहने दिया था। फिर सेकेंड स्टेप ये था कि हमने ड्राई मसाला लगाया, उसे लगा के मैंने 20-25 मिनट रहने दिया। अभी 20-25 मिनट हो गए, अब हम तीसरा मसाला लगाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है, थर्ड मसाला ही है, चौथा पांचवा नहीं है। तीसरे मसाले के बाद हम क्लिंग रैप जो आता है उससे ढक कर फ्रिज में रख देंगे। बेस्ट ये है कि 10-12 घंटे आप रखो तो बहुत ही मजेदार फ्लेवर आएंगे, और अगर रात भर रख सको तो ज्यादा और बेटर है। या फिर आप सुबह में इसे मसाला लगा के रख दीजिए, रात को बना लीजिए। मैं क्या कर रही हूँ आज, अभी समझिए ना, इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, तो मैं कल इसे बनाऊंगी, तो मेरे पास काफी समय है, तो एक रात रहेगा ना, ये तो और मसाला चढ़ेगा। तो चलिए हम लास्ट स्टेप कर लेते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं इसे। अब एक बाउल के अंदर, ये देखिए हमने जो मसाला पीस के रखा वो साइड पर है, वो जो स्टार्ट में पीसा था। अब एक बाउल के अंदर 150 ग्राम दही डालिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। ये जो बिरिस्ता हमने बहुत अच्छे से पीस के रखा है, मेरा तो घर का है, बाजार का भी ले सकते हैं, ये सारा डाल दीजिए पीसा हुआ बिरिस्ता। इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वैसे मेरा कश्मीरी, आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, वैसा कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, वैसे इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अब 2 टेबलस्पून भरकर जो हमने पपीता, कच्चा पपीता पीस के रखा है, एकदम क्रीमी टेक्सचर जो बना के रखा है, ये 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। वैसे जो बच गया हो उसे
फ्रिज में या फ्रीजर में डाल दीजिए कांच की शीशी में डालकर, और आप आगे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं मटन की रेसिपीज में। अब डाल दीजिए 2 टेबल स्पून सिरका, या फिर आप नींबू का रस डाल सकते हैं, मैं सिरका डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून जितना तेल डाल दीजिए, आधा छोटी चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए, और वो जो हमने बनाकर साइड पर रखा था सबसे पहले धनिया और जीरे का पाउडर, वो सारा डाल दीजिए। आप चाहें तो फूड कलर, रेड फूड कलर डाल सकते हैं तंदूरी वाला, मैं नहीं डाल रही हूँ, उससे अच्छा वाइब्रेंट कलर आएगा। मैं थोड़े से ज़ाफरान डाल रही हूँ, आप भी चाहें तो ज़ाफरान डाल दें। अब 2 टेबल स्पून मक्खन डाल दीजिए, बटर मस्का, मैं तो मस्का कहती हूँ, और इसे मैंने थोड़ा सा है ना गरम कर लिया था। ये डालकर सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद चख लीजिए, अगर आपको कम लगे कुछ चीज़ नमक वगैरह तो डाल दीजिए, स्पाइस कम लगे तो डाल दीजिए अपने हिसाब से। अच्छा, इसमें अगर आपके पास कच्चा पपैया ना हो तो आप मीट टेंडराइजर ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। अभी हम फिलहाल कुकर में नहीं बना रहे हैं और पीसेस भी नहीं है, पीसेस होते तो जल्दी गल जाएंगे, लेकिन अगर कच्चा पपीता और मीट टेंडराइजर नहीं होंगे तो गोश्त को गलने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो अभी जैसे अगर आप कच्चा पपीता डाल रहे हो तो 1-1.5 घंटे में तो पक जाएगा ये। चलिए, ये बन चुका है। तो चलिए, ये मैं मसाला बना रही हूँ, अब मसाला लगाते हैं क्विकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के बराबर आगे पीछे ऊपर नीचे स्लिट्स के अंदर बहुत अच्छे से हाथों की मदद से इसे डालें मसाले को, और रब करें अच्छे से, और मसाला बहुत अंदर अच्छे से जाएगा तो उतना हमें स्वाद ज़्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि हम 1 दिन रख रहे हैं तो अंदर तक चढ़ेगा ना मसाला। तो जितना आप अंदर तक इसे डाल सके मसाले को स्लिट्स के अंदर, उतना अंदर तक डालिए, नहीं तो फिर ऐसा होगा ऊपर ऊपर मसाला रहेगा, अंदर कोई मज़ा ही नहीं आएगा और कुछ मसाला लगा ही नहीं ऐसा लगेगा। चलिए, ये सारा मसाला लग चुका है, अब मैं इसे फिल्म की मदद से, क्लिंग फिल्म से रैप करके फ्रिज के अंदर रात भर रख देती हूँ। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसे मैं निकालूंगी। अब इसे ऐसे ही मैरिनेट होने रख दीजिए। अब आपके पास जितना समय हो, लेकिन तकरीबन 8 से 10 घंटे रखिएगा, 12-15 घंटे हो तो ज्यादा अच्छा है, मैं ज्यादा टाइम तक रख रही हूँ। चलिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने ये जो रान है आप देख सकते हैं इसे निकाल लिया है, और इसके ऊपर का ये पन्नी निकाल लेती हूँ मैं, ये देखिए। चलिए, अब हम इसे फ्राई करते हैं। एक डीप पतीली लीजिए, उसे फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, उसमें अच्छे से 3 बड़े चम्मच तेल के डाल दीजिए, और ये जो रान हमने साइड पर रखी है मैरिनेट करके बढ़िया सी, वो रान डाल दीजिए, और इसे फास्ट आंच पर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कीजिए। मसाला भी सारा डाल दीजिए इसके अंदर, जब 5-6 मिनट हो जाए तो रान को पलट दीजिए, और फास्ट से मीडियम आँच के दरमियान में उसे पीछे की साइड भी 5-6 मिनट पकने दें। जब दोनों ओर से 5-5, 6-6 मिनट पक जाती है, उसके बाद 3/4 या 1 कप जितना पानी डाल दीजिए, एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो स्लो आंच कर तकरीबन 1/2 घंटे तक इसे पकने दें। आप चाहें तो 1/2 घंटे के बाद, या आप चाहें तो 1/4 घंटे के बाद इसे चेक कर लें और पलट दें। पीछे का साइड भी 1/2 घंटा या 1/4 घंटा इसे पकाएं। बाय द टाइम तो 1/2-1.5 घंटे में वो पक जाएगी। अब ये पूरी टोटली आपकी रन के ऊपर डिपेंड है कितना समय लगेगा। अब मैं इसे ढक कर स्लो आँच पर पकने देती हूँ। 1/4 घंटे के बाद इसे खोल लीजिए और इसको पलट दीजिए। पलटने के बाद पीछे भी 1/4 घंटे तक इसी तरीके से स्लो पर रहने दीजिएगा। चलिए, 1/4 घंटा हो चुका है, छुरी की मदद से चेक कर लीजिए, छुरी एकदम अंदर तक बहुत आसानी से चली जाए, मतलब गल चुकी है, आप देख सकते हैं बढ़िया सी गल चुकी है। वैसे इतना पानी बचता नहीं है, मेरा शायद चूल्हा स्लो हो गया है। मैं इसे ट्रांसफर कर देती हूँ पतीली के अंदर, तो आप ज्यादा बेहतर देख पाओगे, और इसे मैं पानी जो बचा हुआ है वो सारा सुखा लेती हूँ। यूजुअली बचता नहीं है। अच्छा, मुझे तकरीबन समझिए ना 1.5 घंटा लगा, 1/4 घंटा दोनों ओर, तो आपको शायद उससे ज़्यादा भी लग सकता है। आपकी रान के ऊपर है, मेरी छोटी थी तो 1.5 घंटे में हो गई, आपको शायद 2 से 2.5 घंटे भी टोटल लग सकते हैं, वो आपकी रान के ऊपर है। चलिए, इसे मैं फास्ट आंच पर सुखा लेती हूँ, साइड बाय साइड में कोयला भी जलाने रख देती हूँ। गैस चला गया रान पका रही हूँ और गैस चला गया, दैट्स समथिंग स्ट्रेंज। बस मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, अब वो गैस वाले को कॉल करती हूँ, गैस आएगा फिर 1/2 घंटे के बाद, अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगी।
एक्चुअली आधे घंटे के बाद ये जो गैस वाले आए भैया, उन्होंने लगा दिया। अब चूल्हा चालू कर देती हूँ मैं, और ऐसे फास्ट आंच पर ये जो पानी बचा हुआ है ये तारे पूरी तरीके से सुखा लेती हूँ। दोनों ओर से जब डार्क स्पॉट्स आए आप तब बंद कीजिएगा, बट मैं हल्का सा ग्रेवी टाइप रख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी लगी हुई टाइप रहती है तो मज़ा आता है खाने में। आप आपके हिसाब से रखिएगा। यूजुअली इतना पानी सूखता नहीं, आपने देखा मेरा गैस चला गया इसके वजह से वो पानी उतना दे गया, नहीं तो हमेशा मैंने 5-6 बार बनाया है ये रेसिपी, लेकिन कभी पानी इनफैक्ट क्या होता है सूख जाता है पानी, तो कभी कभार बीच में डालना पड़ता है, लेकिन मैं डालती नहीं हूँ बीच में, दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा चिपकने देती हूँ तो और ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। बट इस बार थोड़ा पानी बच गया बिकॉज ऑफ मेरे गैस की वजह से। आई एम श्योर आपके इसमें ऐसा नहीं होगा, पानी नहीं बचेगा उतना, तो तब भी अगर थोड़ा भी पानी बचता है तो सुखा लीजिए उलट पलट करते हुए, और एकदम अच्छे से उसे रोस्ट हो जाने दीजिए। जब सिर्फ थोड़ा सा तेल जैसा दिखे तो उसे बंद कर दीजिए। आप चाहे तो ग्रिलिंग प्लेट रखे उसके बाद उसे ग्रिल भी कर सकते हैं, मैं वो नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली अभी निकाल रही हूँ डूंगार देके, टांडा देके, कोयले का टांडा देके। ये देखिए कोयला यहाँ जलने रख दिया है मैंने फिर से दूसरी टाइम, और बस हाँ अभी मैं इसे टांडा देती हूँ क्विकली। चलिए स्टील की वाटी रख दीजिए कढ़ाई के अंदर, जब अच्छा गर्म हो जाता है कोयला तो वाटी के ऊपर रख दीजिए कोयले को, और इसके ऊपर तेल घी या मक्खन डालिए और क्विकली साइड पर ढक्कन साइड पर हाथ में रखिए और उससे ढक दीजिए और उसके ऊपर कोई वजन रख दीजिए और 5 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए 5 मिनट हो चुकी है, मैं खोल लेती हूँ, क्या खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब इसे निकाल कर इसे बहुत अच्छे से मैं प्रेजेंटेशन कर लेती हूँ क्योंकि खूबसूरत लगेगी तो खाने में भी मज़ा आएगा ना, क्या बोलते हो? सो अब मैं इसे बढ़िया से प्रेजेंटेशन करती हूँ और गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूँ। अच्छा, मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार ही कीजिएगा। खूब सारी मैंने बकरी ईद की मटन की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है, लगातार अभी कुछ दिनों से भी कर रही हूँ, तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप चेक कर लीजिएगा। मज़ेदार सी आप देख सकते हैं हमारी बढ़िया सी रान रोस्ट बन चुकी है, और मैंने आपसे कहा है रान मसाला भी चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए ये बन चुकी है हमारी रान रोस्ट, बड़ी मजेदार है, झटपट भी बन जाती है, और आज मुझे थोड़ा लेट हो गया, आपने देखा गड़बड़ में बन गई लेकिन ना मेरी रान बकरे की रान अच्छा, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर आप बनाए तो, और हाँ अगर आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो फिर आपको पता है आपको क्या करना है, आपने आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना है इसकी लिंक्स और फॉरवर्ड कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंजॉय रान रोस्ट और ईद मुबारक आप सबको, अल्लाह हाफिज।